हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए चैप्टर नंबर 7.2 क्लास 9 का हम आज आपको क्वेश्चन दिया है। ट्रायंगल एबीसी इज द राइट एंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एबीसी इक्वल्स टू एसी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। फ्रेंड्स, यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे यहां पर एक राइट एंगल दिया गया है। किस टाइप का? इस टाइप का, एक सीधी सी लाइन का एक राइट एंगल है। ठीक है, आपको मैं शॉर्ट लाइन में समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, जिसमें एंगल ए इजिकल्स टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, जिसमें एंगल ए कौन हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया, है ना। एंड एंगल ए बी इजिकल्स टू में ए सी, जिसमें बोला जा रहा है कि ए बी इजिकल्स टू में, यानी ए बी इजिकल्स टू में ए सी है। अगर ए बी इजिकल्स टू में ए सी है तो इनके अपोजिट साइड के एंगल भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ज्याला एंगल और ज्याला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर गिवन में लिख दीजिए, दिया गया एंगल ए इजिकल्स टू 90 डिग्री है ना, एंड लिख दीजिए ए बी इजिकल्स टू ए सी। तो यानी देर पर लिख सकते हैं, तो एंगल ए बी सी इजिकल्स टू में एंगल ए सी बी, है ना, एंगल ए बी सी इजिकल्स टू एंगल ए सी बी। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो दोनों भी इक्वल कराएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब फटाफट से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब क्या करना चाहिए आपको, ले लीजिए यहाँ पर दिया गया, जैसे 90 डिग्री एंगल हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं एंगल बी एंड एंगल सी। हमें क्या करना है, फाइंड करनी इसकी वैल्यू, फाइंड करनी क्या दी गई है ना। तो इसकी फाइंड वैल्यू करने के लिए क्या करते हैं, हम तीनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में करना, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 डालना होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है। ठीक है, आपने जैसे आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 में 6 में बताया था, तो जो ही हम 7 नंबर में भी बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने 7 में क्या बताया था कि तीनों ट्रायंगल जोड़े थे, उनको क्या लिख दिया था मैंने, कि त्रिभुज के अंतःकोण, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, है ना, जिसे हम कहते हैं त्रिभुज के अंतःकोण। तीनों ट्रायंगल को अगर हम तीनों एंगल को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक 180 डिग्री का वो मिलेगा हमें ट्रायंगल। तो देखिए, एंगल ए एंगल प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जैसे तीन अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को हम जोड़ते हैं, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि सम प्रॉपर्टीज एंड ऑफ ट्रायंगल, देखिए इजिकल्स टू में 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, है ना। चलिए, नहीं पता तो आप जान लीजिएगा। अब उसके बाद क्या होता है, एंगल ए किसके बराबर है, 90 डिग्री है, तो लिख दीजिए। और यहाँ पे जो एंगल बी है ना, एंगल बी है और एंगल सी, एंगल बी एंड सी, तो आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन में बोला गया था शुरू में ही कि एंगल क्या नाम है ए बी इजिकल्स में ए सी है, तो जिससे हमारा एंगल ए बी सी इजिकल्स में एंगल ए सी भी हो गया था, जिसमें यानी बी इजिकल्स टू में सी के बराबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर हम एंगल बी एंगल जो सी दिया गया है, इसकी जगह पर अगर हम एंगल बी लिख दें तो हमें कोई आपत्ति तो होगी नहीं, तो ये दोनों इक्वल हैं, लिख सकते हैं रीजन के साथ, एंगल बी इजिकल्स टू में एंगल बी ओ सी, है ना, लिख दिया। तो इससे क्या होगा, ये दोनों इक्वल में, तो हम इसकी जगह पर जी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर जी लिख सकते हैं, हमने बी ले लिया, इसका जो 180 डिग्री है ना फ्रेंड्स। अब 90 डिग्री लगिए प्लस, या 2 हो जाएगा, 2 एंगल बी हो जाएंगे, तो यहाँ लगी 180 डिग्री, 90 डिग्री को यहाँ भेज दीजिए, टू टू वी 90 डिग्री यहाँ भेजा, तो 180 में से 90 गए तो कितने बचे, 90 डिग्री, एंड 2 को 2 से 90 डिग्री को काटेंगे कितना बचेगा, 45 डिग्री, तो कितने एंगल बी इजिकल्स टू में कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। अगर एंगल बी इजिकल्स टू में 45 डिग्री है, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल हैंस करके, एंगल बी इजिकल्स टू में 45 डिग्री है, तो एंगल सी इजिकल्स टू में भी 45 डिग्री होगा, बिकॉज रीज़न भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बी इजिकल्स टू में एंगल सी, तो फिर एंगल इजिकल्स टू में 45 डिग्री होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यही आपका आंसर है, यानी एंगल बी एंड एंगल सी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको ये प्रूफ करना है। फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, जो एंगल जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 हमने जिस तरीके से आपको समझाया है, उसी तरीके से एंगल ये क्वेश्चन नंबर 8 भी है, जिसमें कुछ नहीं करना, जिसमें बोला जा रहा है कि हमारे जो जैसे कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, यानी बोल रहे हैं जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज जैसे हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया था, अब अच्छे से देख सकते हैं वहाँ पर जाके,
उसमें हमने बताया था, उसमें बोला जा रहा है इसके तीनों कोण, ये बोल रहे हैं तीनों कोण बताइए कि 180 डिग्री के हैं या कि नहीं। यहाँ पे हमने बोला प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, हुआ तो तीनों कोण कितने हो जाएंगे 180 डिग्री के, है ना। तो इसी हिसाब से हमें बताना है कि है क्या नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं इसी तरीके से। बस कुछ नहीं करना होगा, आपको तीनों कोण को एक्स मानना पड़ेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमको 3x हो जाएंगे और वो इस बस में 180 डिग्री हो जाएगा। एंड डिवाइड करोगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो ऐसे प्रत्येक की वैल्यू कितनी होगी हमारी 60। तो आप वो आराम से करके देगी इसी तरीके से, वो सम होगा। अब फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपके लिए वो सम भी करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यही वाला 7.2 चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं 7.3 चैप्टर में, तो तब के लिए आप लोगों को गुड लक एंड हैव नाइस डे फ्रेंड्स।